भारत के नक्शे पे रीवा एक बहुत छोटा सा स्टेट, यहाँ की पहचान वाइट टाइगर हुआ करती थी। फिर समय बदला, बहुत सारी नई चीज़ें आई। इस फील्ड में प्रतिभा सिंह ने गायन में नाम रोशन किया, उसके बाद रघुवीर, अब मोइना। कैसा लग रहा है पूरे देश को रीवा की जो पहचान थी वहाँ से शुरुआत करते हुए अपने आप तक? रीवा एक छोटा शहर होगा, लेकिन यहाँ से बहुत बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट निकला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटे शहर से उसकी अहमियत छोटी नहीं हो जाती है। अगर आपने सुना है वाइट टाइगर्स के बारे में, तो रीवा शहर से ही, रीवा में ही वाइट टाइगर्स का नाम है। पूरे विश्व में रीवा जाना जाता है कि वाइट टाइगर्स रीवा से ही आए हैं। यहाँ पे बहुत सारा जो टैलेंट निकला है यहाँ से, एक प्रतिभा सिंह बघेल थी, उनके बाद जी टीवी से मैं आई हूँ डांस इंडिया डांस के मंच पर। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे डांस इंडिया डांस में भाग लेने के बाद जब मैं यहाँ आई, तब मैंने देखा कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए भी। तो जिस तरह से मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे आगे बढ़ाएं, उस तरह से वो भी उम्मीद करते हैं कि मैं रीवा का नाम और ऊंचा लेकर जाऊं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत गर्व महसूस करती हूँ रीवा आकर। ये जो इतनी बड़ी इतने बड़े मंच पर आकर इतना अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर रही हूँ और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका उसको सराह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मोहिना जी या राजकुमारी, राजकुमारी रियल में प्रिंसेस है रीवा में। आप एक वहाँ पे जो प्रिंसेस का किताब आपको मिला मंच पे, डीआईडी के मंच पे जी, उस दोनों के बीच में क्या फर्क आपको लगता है? जी, रीवा राजघराने में मैं पैदा हुई, इसलिए मैं रीवा की राजकुमारी हुई। इस चीज़ के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, इस टाइटल के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये मुझे अपनी फैमिली ने मुझे ये टाइटल दिया, रीवा की राजकुमारी। लेकिन जो टाइटल डांस इंडिया डांस ने मुझे दिया है, डांस की राजकुमारी, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उसके लिए मैंने मेहनत की है, बहुत लगन की है, और वो मैंने खुद से हासिल की है, अपने बल पर हासिल करी है। तो वो दोनों टाइटल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दिल के करीब है, उस मेहनत का रंग मैं सुनहरी टोपी लेकर दिखाऊं। पहले आप यहाँ पे राजकुमारी आई हैं, अब एक स्टार राजकुमारी के रूप में पूरा देश आपको जान रहा है जी। वो स्टार राजकुमारी और एक रीवा की राजकुमारी, क्या उसको फर्क आपको लगता है, किस तरह की आपकी मतलब करती है? ये तो सेम ही हो गया ना, थोड़ा सा ओके। एक स्टार राजकुमारी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको देश मोइना सिंह जी, रीवा की रीवा की राजकुमारी होने के नाते मुझे मेरे फैमिली के लोग, मतलब मेरे राजघराने के लोग मुझसे प्यार करते थे, करते हैं। लेकिन जब मैं डांस की राजकुमारी और जैसे आप कह रहे हैं स्टार राजकुमारी बन गई हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है और लोग मुझे बताते हैं कि पूरा देश और बहुत सारे बाहर, देश के बाहर भी जो देश है, विदेश के लोग, वो सब भी मुझे चाहने लगे हैं। तो छोटी सी जगह पर सीमित नहीं है, अब मेरा प्यार और बढ़ गया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे शहरों से अब कलाकार निकल के आ रहे हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, तो क्या महानगरों में प्रतिभाएं खत्म हो गई या छोटे शहरों में प्रतिभाएं बढ़ गई हैं, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट
टैलेंट हर जगह भरपूर है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में सपने ज़्यादा देखते हैं लोग, और अगर सपने देखते हैं तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करते हैं लोग, और उनके लिए क्या होता है ना, छोटे शहरों में लगता है कि शायद ये हम इस ड्रीम को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो बहुत जी जान से मेहनत करते हैं इसलिए शायद वो सपना हासिल कर लेते हैं। बड़े शहर में ऐसा होता है कि उनके सामने चीज़ें फैली रहती हैं तो उसके लिए शायद वो इतनी मेहनत नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा मेहनत है क्योंकि ड्रीम्स बड़े हैं, सपने बड़े हैं। इस प्लेटफॉर्म के बाद निश्चित रूप से एक दरवाजा खुलता है फिल्मी दुनिया की ओर। जी, कहीं ना कहीं आपके मन में भी इस तरह के हैं कि आगे आप उस रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगी? मैंने फिल्मों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मैं अपने डांस की तरफ ध्यान देती हूँ और सुनहरी तकदीर की टोपी की ओर ध्यान देती हूँ। फिल्मों के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, अगर कुछ ऑफर आएगा तो मैं सोचूंगी। विरासत में आपके यहाँ सभी लोग राजनीति में रहे हैं, आपके ग्रैंडफादर से लेकर फादर, तो ब्रदर भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति की ओर भी आपका झुकाव? जैसे आपने कहा फिल्मों के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, लेकिन जी हाँ, राजनीति के बारे में मैं बचपन से सोचती आ रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और देखते हैं अगर डांस के साथ वो भी हो सकता है तो मैं डेफिनेटली। डांस में तो आपकी जो आइडियल रही, आपकी दादी मां रही हैं जी, राजनीति में आपके आइडियल? आई एम गोइंग टू से इट, राजनीति में मेरे आइडियल हैं मिस्टर राहुल गांधी, मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और डेफिनेटली मेरा सबसे बड़े पॉलिटिकल आइडल वही हैं। कभी आपको मौका मिलेगा तो राजनीति में आप आगे? डेफिनेटली राजनीति में मेरा इंटरेस्ट है। आप राजघराने से हैं, है ना, पूरा कुल चला रहा है, और वहाँ की आप राजकुमारी, ऐसे में आप जब वहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं, वहाँ पूरे ग्रुप के साथ रह रही हैं, तो कहीं आपका ईगो ऐसे आड़े आया कि मैं राजकुमारी हूँ और मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए, कभी आप ऐसा? अगर आप शो देखते आ रहे हैं आपको पता होगा कि मेरा कोई ईगो नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कहीं पे भी कि मैं राजकुमारी हूँ तो मुझे ऐसे ट्रीटमेंट चाहिए, राजकुमारी हूँ तो वैसी ट्रीटमेंट चाहिए। मैं अपने आप को आम इंसान मानती हूँ। ये टाइटल मुझे मिला है उसका ये मतलब नहीं है कि मैं नाक उठा के कहीं भी चली जाऊं और कहूं कि नहीं, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है ये बहुत गलत बात है। विनम्र रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए हमेशा, और ये मुझे सीख मेरी फैमिली ने दी है और ये हमेशा से बरकरार रही है और रहेगी। इस पूरे दौरान जब से आप सो में गई हैं और अब तक में, वो दो समय जब आप सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव हुई हो और सबसे ज़्यादा खुशी आपको लगी हो? DID के मंच पे? हाँ। सबसे 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 ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब वैभव आउट हुए। मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, वो इतने टैलेंटेड हैं और मेरे फेवरेट पार्टनर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुई जब हमारे वैभव रेमो के रंगीले से आउट हो गए। और सबसे खुशी कब हुई आपको? आई थिंक DID के मंच पर सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब पहली बार मुझे और वैभव को टाइगर एक्ट के लिए वाइट